नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारी कुंडलियों में काल सर्प दोष होता है। काल सर्प दोष का विवरण आज आपके सम्मुख उपस्थित है। काल सर्प योग या दोष, इसके लक्षण क्या है? जातकों के लिए पिछले जन्म में किए गए बुरे कर्मों के कारण यह काल सर्प दोष मनुष्य के जीवन में साप बनकर प्रकट होता है। इस दोष के लगने के कारण व्यक्ति परेशान ही रहता है और उसके सामने संतान, स्वास्थ्य, घर व परिवार और आर्थिक समस्याएं एक के बाद एक आती ही रहती हैं। इस दोष के चलते व्यक्ति को बहुत मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है और बुरे सपने आते हैं। अधिकतर सपनों में दोष से पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु होती रहती है सपने में, या सांप दिखाई देते हैं, नदी, पहाड़, झील दिखाई देता है, मल मूत्र आदि दिखाई देता है। राहु और केतु द्वारा बने बुरे प्रभाव से यह दोष उजागर होता है। जातकों की जन्म कुंडली में अगर राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आ जाते हैं तो इस दोष को ही काल सर्प दोष कहा जाता है। राहु को काल के नाम से चयनित किया जाता है क्योंकि राहु के नक्षत्र का जो देवता है वो काल है और केतु के जो नक्षत्र का देवता है वो कौन है? सर्प है। तो इसीलिए राहु का काल और केतु का सर्प तो काल सर्प बन जाता है, जिसका हिंदी में अर्थ मृत्यु या सर्प को केतु का अधिदेवता माना जाता है और सर्प का अर्थ सांप होता है। इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में राहु को सांप का मुंह और केतु को सांप की पूंछ माना गया है। इस दोष में राहु और केतु ग्रहों के अच्छे प्रभाव को खत्म कर देते हैं और ग्रहों के राहु और केतु के बीच में स्थित होने के कारण यह ग्रह सकारात्मक परिणाम देने में विफल हो जाते हैं। शास्त्रों में राहु का छाया ग्रह के नाम से उल्लेख है। इस दोष के समय सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी जातक या जातिका दुखी ही रहते हैं। उसे दुखी रहने के लिए कारण तक का पता नहीं चल पाता है कि दुख का कारण क्या है, काल सर्प ये भी नहीं पता चलने देता। ऐसा भी नहीं है कि इस दोष के प्रभाव बुरे ही होते हैं और हमेशा कष्ट ही देते हैं, लेकिन राशियों और लग्नों पर ग्रहों के स्थित भावों के आधार पर इसके प्रभाव को सुनिश्चित किया जा सकता है कि यह काल सर्प योग आपको अच्छे परिणाम लेकर आने वाला है या दोष बनकर आपको दुख देने वाला कारण बनने वाला है। काल सर्प के प्रकार, कुंडली में कुल 12 भाव हैं। इस प्रकार से काल सर्प के कितने प्रकार हैं? कुल 12 प्रकार हैं। काल सर्प के कुल 12 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार क्या होता है? अनंत काल सर्प योग। यदि लग्न में राहु योम सप्तम में केतु हो तो अनंत नाम का काल सर्प दोष बनता है। इसके कारण जातक कभी शांत नहीं रहता, झूठ बोलना योम खड़यंत्रों में फंसकर कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाता रहता है। ये काल सर्प का पहला प्रकार है। दूसरा प्रकार यह है, यदि राहु धन भाव में हो और केतु अष्टम भाव में हो तो यह योग बनता है। इसमें इस योग में पुत्र योम जीवन साथी के सुख में कमी, गुर्दे की बीमारी, पिता के सुख का अभाव, योम कदम पर अपमान सहना पड़ सकता है। तीसरा जो होता है, वासुकी नाम का काल सर्प योग होता है। जब कुंडली के तीसरे भाव में राहु और नवम भाव में केतु पड़ेगा तो यह योग बनेगा। इसमें जो होता है, भाई बहन को कष्ट, पराक्रम में कमी, भाग्योदय में बाधा, नौकरी में कष्ट, विदेश प्रवास में कष्ट उठाने पड़ते हैं। चौथा जो काल सर्प बनता है उसका नाम है शंखपाल काल सर्प। इसमें राहु चतुर्थ भाव में होगा और केतु दशम भाव में होगा और इनके एक तरफ ही सारे ग्रह रहेंगे। इसके प्रभाव से क्या होता है, पिता का सुख नहीं मिलने पाता, भाग्यहीन होना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है, नौकरी में बार बार निलंबित या परिवर्तन होते रहता है।
पद्म काल सर्प योग में अगर पंचम भाव में राहु हो और एकादश भाव में केतु हो तो यह योग बनेगा। संतान सुख में बाधा देगा और वृद्धा अवस्था में दुख देगा। शत्रु बहुत होते हैं, सट्टे में भारी हानि होती है या व्यक्ति के साथ चीटिंग होती है लाइफ में, धन की चीटिंग। महापद्म नाम का जो काल सर्प योग है, यदि राहु छठे भाव में होगा और केतु वे भाव यानी बारहवें भाव में होगा, इसमें पत्नी से विरह होगा, आय में कमी होगी, चरित्र पे दोष लगेगा। ये सारी चीजें महापद्म नामक काल सर्प दोष में होती हैं। तक्षक नाम का काल सर्प दोष कब बनेगा? यदि राहु सप्तम में यम केतु लगन में हो तो यह दोष बनेगा। पैतृक संपत्ति नष्ट होती है, पैतृक संपत्ति में बाधा आती है, पत्नी सुख नहीं मिलता, बार बार जेल यात्रा या बंधन का योग बन जाता है। कर्कोटक नाम का काल सर्प दोष तब होता है यदि राहु अष्टम में हो और केतु धन भाव में हो तो यह योग बनेगा। भाग्य को लेकर जातक को परेशानी होती है, नौकरी की संभावनाएं कम रहती हैं, नौकरी एक बार छूटे तो फिर जल्दी मिले नहीं, व्यापार नहीं चलता, पैतृक संपत्ति नहीं मिलती और नाना प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं। शंखचूड़ नाम का जो काल सर्प योग होता है, इस काल सर्प दोष में राहु नवम भाव में होता है और केतु तृतीय भाव में होता है, जिसके प्रभाव से यह काल सर्प दोष बनता है। ऐसे जातक के व्यवसाय में उतार चढ़ाव एवं स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। घातक नामक काल सर्प योग कब बनेगा? जब राहु दशम भाव में एवं केतु सुख भाव में होगा तो यह योग बनता है। ऐसे जातक संतान के रूप से परेशान रहते हैं, यानी संतान ही पीड़ित रहती है, माता या पिता का वियोग होता है। आगे जो अगला योग होता है वो विषधर नामक काल सर्प योग होता है। ये कैसे बनेगा? विषधर काल सर्प योग, यदि राहु लाभ भाव में योम केतु पुत्र भाव में यानी पंचम भाव में हो तो यह योग बनेगा। ऐसा जातक घर से दूर रहता है, भाइयों से विवाद रहता है, हृदय रोग होता है, योम शरीर जर्जर होता है। शेषनाग, यदि राहु वे भाव में हो, बारहवें भाव में, और केतु छठे भाव में हो तो यह योग बनता है। शत्रुओं से पीड़ित, शरीर से सुखी नहीं होगा, आँख खराब होगा, योम न्यायालय का चक्कर लगाना पड़ेगा। काल सर्प की शांति के लिए राहु के 80,000 मंत्र, केतु के 70,000 मंत्र, नाग गायत्री 5100 और सर्प सूक्ति के पाठ करके हवन कराने से और नाग देवता का पूजन करके नदी में प्रवाहित करने से यह दोष पूर्ण रूप से शांत भी हो जाता है।